go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the... Oh, bacha, kya hua hai? Aapke tika lagega. We are at the hospital now and ye humko direct access hai. Without even doctor coming into the OPD, हम लोग सीधा अंदर आ जाते हैं. तो हमारे आने के बाद डॉक्टर से, सो दिस इज़ रूटीन चेकअप फॉर एम्बर. और आफ्टर एवरी 2 weeks वी कम फॉर चेकअप. तो वो दे जस्ट चेक कि क्या है, इज देयर एनी कंसर्न, एनी इशू. तो ऐसा कुछ होता नहीं है. तो वी जस्ट कम एंड उसको बहुत अच्छा लगता है. शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी इज़ स्माइलिंग ऑल द टाइम कि पता नहीं क्या ही हो गया. इस हॉस्पिटल में हुई है ना ये? हाँ, इस हॉस्पिटल से इसकी यादें जुड़ी हुई हैं. तो जब इसको हवा लगती है ना, इसको जब ऑरा फील होता है हॉस्पिटल का, तो ये खिल जाती है अंदर से. अभी दीपक ब्लॉग कर रहे थे तो डॉक्टर का टाइम होता है मतलब 7:30-8 o'clock, और डॉक्टर हमेशा लेट आते हैं यहाँ पे. और बच्चे के साथ सुबह सुबह आना बहुत ही मुश्किल काम है जल्दी उठ के, क्योंकि रात को भी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं. तो अभी डॉक्टर आ ही लिया है, अभी ऑलरेडी 1/2 hour हो गया है. तो दीपक, सो अभी डॉक्टर को मिली है. डॉक्टर ने बोला कि एवरीथिंग इज़ फाइन. तो इस हॉस्पिटल की सबसे बुरी चीज़ जो है वो है कि फीडिंग रूम अलग से नहीं बना हुआ, या तो फिर NICU में जाना पड़ता है. बट वहाँ पे थोड़े प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं, इसलिए वो लोग जो फ्री रूम होता है तो यहाँ पे वो दे देते हैं. तो अभी इसको मैंने फीड करवाया है और मैडम जी अभी सोने लगी है. और इसका अभी एक और टेस्ट है, रूटीन टेस्ट है वो, और 9 बज चुके हैं. टेस्ट है उसके बाद, वो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे. अब इसको सोना है. और तो दीपक आज डॉक्टर बने फिर रहे हैं यहाँ पे. I never miss a chance to eat in the hospital. आज मौका मिला तो सुबह नाश्ते नहीं किया. मिसल पाव दस दे. तू सोना नहीं, तू सोना नहीं, तू सोना नहीं, तू हूँ सौन जाना, सौन जाना. तेन सुलावा, तेन हूँ सुलावा, या तेन खड़ावा. दस दे. सो अभी एम्बर सो रही है और मैंने क्विकली लगाया फेस पैक, क्योंकि आई बिलीव कि हम भी डिज़र्व करते हैं. हमें बात कर रही है तो वो उठ रही है, और मुझे भी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ साथ में. तो डे टाइम पे वो उसको बेड पे मेरे साथ ही होती है वो. तो अभी रात को तो वो अपने क्रिब में सोती है, आराम से सोती है, जो कि बेड के साथ ही अटैच्ड होता है. तो अभी वो आराम से सो रही है. बट अभी इसकी स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जा रहा है 3rd month से. तो दोपहर को बहुत कम सोती है, सुबह सोती है लेट तक, और रात को अच्छा सोती है ये. तो दिन में पूरा हार्ड टाइम देती है मुझे ये. तो अभी जस्ट मैं और एम्बर ही होते हैं घर पे, अभी कोई नहीं है. दीपक ऑफिस होते हैं, वो रात को आते हैं 8-9 o'clock के करीब. तो जाते वो लेट ही हैं मॉर्निंग में 11. तो जैसे कोई वीडियोस करने होते हैं, रिव्यू वीडियो करने होते हैं, वो मैं पहले करती हूँ मॉर्निंग में उठ के पहले. तब तक दीपक इसको हैंडल कर लेते हैं. तो बिकॉज देयर इज़ वन थिंग, मैं फेस पैक लगा के कितना बोल रही हूँ, तो आई थिंक बाद में मैं बोलूँगी थोड़ा सा कुछ. क्या नानी ने क्या खाना, क्या खाना है? है क्या अंबर, क्या बोल रहे हो? क्या 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 बोलिया? कुछ अच्छा दूध पी लिया? दूध पी लिया? टिड्डी भर गई?
टेडी पर गई है। अच्छा खोर पीना। अच्छा सोना हूँ निन्नी कानी। सैटरडे और आज हम लोग सारे जा रहे एक डिनर के लिए बाहर, तो फर्स्ट टाइम एम्बर का डिनर है आज। एम्बर मतलब जा रही डिनर पे, अभी वो अपने मामा के साथ बैठी हुई है ना। दोनों ने मैचिंग काइंड ऑफ करी है, शांति से बैठी हुई है ना, उसको देख रही है। दीपक इज़ गेटिंग रेडी, शेरी इज़ रेडी और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज एम्बर का फर्स्ट डिनर है, कि देखते हैं कैसे रिएक्ट करती है बाहर जाके, कितना तंग करती है कितना नहीं करती है तंग। सो विल गो एंड लेट यू नो। ऐसे वैसे कर दिया है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। हेलो बटन दबना। अच्छा बटन दबना, लिफ्ट च जाना, लिफ्ट च। बोलो क्या सिखा रहे हो एम्बर को? मामा। क्या मामा? कुछ और भी सिखाओ। अच्छा मम्मी। हम लोग जैसे बाहर आए हैं तो शेरी इज़ स्ट्रिक्टली शी इज़ वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन में भी इसको चटकोरे खाने का शौक है, बहुत चटपटे खाने का। तो अभी ये बोल रही है इसको दही भल्ले खाने हैं, बट हमने कुछ और चूज़ करा है। अभी खा रहे हैं मलाई टिक्का, एंड वहाँ पे करण एम्बर को अच्छी तरह संभाल के में बैठे हुए हैं। वो बहुत कॉन्शियस हो जाता है जब उसको पकड़ता है ना, और इसको जैसे इसने पहले 10-15 डेज जब से आया इसको ज़्यादा नहीं उठाया, इसको डर लगता था, बट अभी इसको ऐसे है कि मैं इसको डेली उठाऊँ, सारा दिन उठाऊँ, क्योंकि इसको जाने का टाइम आ रहा है पास में। तो अभी ये इसको बहुत 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 प्यार कर रहा है, इसको सारा दिन उठा के रखता है और मुझे रेस्ट मिल रही है। तो अभी दीपक जी डिसाइड कर रहे हैं। हेलो दीपक। हेलो हाउ आर यू गाइस, व्हाट्स अप? सो आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा जिसमें मैंने बेबी को अकेले हैंडल किया, एंड आई वॉज सक्सेसफुल, सो डोंट चैलेंज मी। ये देखो मजे ले रही है पूरे, ये इसके असली असली रूप देखोगे शायरी के भी। ये जब तक टेस्ट नहीं करती सारे क्वेश्चंस को, ये रेस्टोरेंट को पास नहीं करेगी, है ना। हाँ इट्स पंजाबी महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं। सो गाइज अभी वो लोग चले गए हैं, और अभी मम्मी मदर इन लॉ आके चले गए हैं, ब्रदर भाभी आके चले गए हैं। अभी मेरी मम्मी आएगी, बट वो आएंगी थोड़े दिनों के बाद में, अभी वो इंडिया में नहीं है। तो अभी मैं अकेली ही हूँ, मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है। बट अभी ऑलरेडी काफ़ी दिन हो गए भाई को गए हुए, मैं व्लॉग नहीं करा था मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अकेले भी एक चैलेंज होता है, बट बहुत अच्छा लग रहा है इसको हैंडल करते हुए एम्बर को। तो चलो आई विल फिनिश दिस व्लॉग, आई विल सी यू सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी। बाय।